कहुए भक्त बिना भगवान अधूरा। भक्त और भगवान परस्पर परिपूरक। भगवान को पाइबा को भक्तिर आवश्यकता रही। देवालय निजर भगवान प्रति भाव अजाड़ी दिए भक्त, किंतु भक्त और भगवान अदृश्य प्राचीरी भाई छिड़ा हो महामारी कोरोना। कोरोना पर सरकार लागू कले लॉकडाउन। लॉकडाउन पर देवालय भी बंद आउ भक्तर घर भी। मंदिर में भगवान को दर्शन करने दीर्घ 80 दिन प्रतीक्षा एवं अंत हो। दीर्घ दिन विच्छेद पर एवं भक्त भगवान एकाठी। समग्र भारत बर्षरे चारोटी लॉकडाउन पर अनलॉक प्रथम पर्यायर धार्मिक स्थली खोल नहीं भक्त मान गहन देखाई तत्परता। सामाजिक दूरता सहित धार्मिक स्थल खोल देशर विभिन्न मंदिर मस्जिद गुरुद्वार और चर्च देखा मिली श्रद्धालु मान आगमन। बहुत अच्छा लग रहा है जी, मतलब करीब 2.5 महीने बाद खुल रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। बड़ा अच्छा हुआ आज ये बाबा के भी दर्शन हो गए, चाहे हालांकि बंद है पर मतलब फिर भी जो है दर्शन हो गए, कम से कम बाहर से ही दर्शन हो गए हैं, बड़े अच्छे। अभी मैं दर्शन करने आई हूँ, यहाँ पे प्रॉपर रूल्स है, इन्होंने हमारा लाइक चेक किया है और मास्क के बिना एंट्री नहीं दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोगों ने माथा टेका है अपने गुरुजी के आगे, और यहाँ पे बैठने नहीं दे रहे हैं और हर चीज़ सैनिटाइज करके कर रहे हैं। हमने जब एंट्री करी है हमारा पूरा सैनिटाइजेशन करा है, हैंड्स भी सैनिटाइज करे हैं हमने, और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब दूर दूर खड़े होके हमने माथा टेका है। प्रसाद जैसे भी प्रशासन की गाइडलाइंस हैं हमने सब फॉलो की हैं। ये सैनिटाइजर टनल लगा हुआ है ऊपर, नीचे पैर धो के ऊपर जाएंगे, लगभग 20 सेवादार आगे पीछे एक शिफ्ट में होते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग वो देखते हैं, और सभी को एक एक करके दूरी बना के भेजा जाता है। हर 3 घंटे में ऊपर हम सैनिटाइज करवा रहे हैं सीढ़ियाँ सारा कुछ ना। तो जैसे जैसे सरकार ने जो चीज़ें कही हैं हम उन सब को करने के लिए बाध्य हैं। हमारे जथेदार हैं, मैनेजर हैं, सब ऊपर से इस इंतज़ाम को देखते हैं कि सेवादार ठीक से काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को हम निभा रहे हैं। प्रसिद्ध सिरिडी साई बाबा पीठ से आज सका भक्त समागम देखा मिलता। से दिल्लीर विभिन्न धार्मिक पीठ से भक्त आगमन होता। दिल्लीर प्रसिद्ध जामा मस्जिद और श्री बंगला साहिब गुरुद्वार श्रद्धालु भिड़ लगी। उत्तराखंड वैष्णोदेवी पीठ से आज पूजार्चना आरंभ हो। सेपटे दीर्घ 80 दिन अपेक्षा पर विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर द्वार भक्तों को पाई खोली दिया गई थी। आज से चर्च खुले गए हैं। एज आप सबको पता है कि दिल्ली सरकार ने आज से आदेश दिए हैं सारे चर्चेस जितने भी होली प्लेस हैं धार्मिक स्थल हैं खोलने के, तो हम भी आज से अपना चर्च खोल रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सैनिटाइजर मशीन्स लगाई हैं, यहाँ पे सब मार्किंग करी है, ऐसी चर्च में हमने अंदर मार्किंग करी है कि लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोई भी मतलब एक दूसरे से टच ना हो या कोई वॉल को टच ना करे। और जैसे यहाँ पे कैंडल माला और नारियल चढ़ता है वो सब हमने बंद करवाया है, कोई प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा एक टाइम तक के लिए, और कोई ऑल्टर सर्विस नहीं होगी। और एक जैसे यहाँ पहले कितने भी लोग जाके बैठ सकते थे पर अब सिर्फ 10 लोग ही जा सकते हैं। जैसे सरकार के आदेश है पहले तो वो माने जाएंगे, और कड़ी खुशी की बात है कि मंदिर खुले और भक्त लोग का उत्साह उल्लास में बढ़ रहे हैं आगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा जी बहुत बहुत कृपा है कि सानू आंदा मौका मिला ते अपन बाबा जी दर्शन कर सकते हैं। मास्क सैनिटाइज अपने आप नू रखना ते हर तरह प्रिकॉशन वगैरह लैके ते सानू इज्जत मिले। जैसे गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आया है उसके हिसाब से पूरे मंदिर को सैनिटाइजर किया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप देखेंगे हर जगह गोला बनाया हुआ है। हम क्रमशः वही 2, 4, 5, 7 लेकर के धीरे धीरे उनको सिर्फ दर्शन कराएंगे, न यहाँ प्रसाद कोई चढ़ेगा न फूल माला चढ़ेगी, सिर्फ वो दर्शन करेंगे, तिलक तक नहीं लगेगा, न प्रसाद वितरण होगा, दर्शन करके वो अपना जाएंगे।
ଅନ୍ୟପଟେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ, ତା ସହିତ ଦର୍ଶନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳେ କିପରି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଡଟ୍ ଇନ୍।